एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो अभी इस बार सावन जो है ना, हमारा 60 दिनों का सावन पड़ा है। तो अभी हमने सोचा कि क्यों ना सावन की एक सीरीज़ लाई है, जहां मैं अपने दिल्ली के सारे मंदिर के प्राचीन जो मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो कवर अप करूँगी। और नियर बाय बहुत ही प्यारे मंदिर हैं जिनके दर्शन आप लोग कर सकते हैं या मैं आप लोगों को करा सकती हूँ, ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त हो तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई चलते हैं इस सीरीज़ का। आपको सेकंड टू मंडे को मिल रहा है, बट आई होप मंडे टू मंडे आपको हर एक न्यू ब्लॉग मिलता रहे। तो चलते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कहाँ जाना है ये तो आपको वीडियो पर रहने में पता लग जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और पूरी वीडियो पर बने रहिएगा। और यहाँ पे मैं अपना फटाफट से मैकअप कर रही हूँ। समटाइम्स में मेरी आईज़ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इस वजह से मैं काजल वगैरह थोड़ा सा मेकअप अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि मानसून भी है। तो मानसून में क्या होता है, मेरी स्किन थोड़ा ऑयली टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा हो जाता है और मुझे करना भी पसंद नहीं है, तो बहुत है। और ये सूट जो मैंने आज वेयर किया हुआ है, वो मैंने कहाँ से परचेज़ किया, ये आपको मेरे शॉर्ट्स पे पता चल जाएगा। तो पहले हमेशा घर की पूजा करनी चाहिए। जब भी हम किसी मंदिर पर जाते हैं ना, या किसी देवी देवता के, या कहीं भी जाते हैं, तो हमें अपने पहले घर के देवी देवता जो हमारे ईष्ट होते हैं, हमें उनकी पूजा करके ही निकलना चाहिए और उनका आशीर्वाद साथ में लेकर ही चलना चाहिए। तो ये सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि किसी को याद नहीं रखता, यंग एज मोस्टली इसमें बिलीव नहीं करती कि ऐसा भी कुछ नहीं होता, बट ऐसा होता है। साथ ही साथ मैंने अपने लिए रैपिडो बुक की थी, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ वो हमारे यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर है। तो मैंने कहा वेदर आज बहुत अच्छा है, वेदर की आज बात क्या करें, मानसून है लेकिन वेदर बहुत है। और मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग जगी थी, तो मेरे फ्लैट्स पे कोई भी नहीं जगा था, ये पीजी है, हमारे लैंडलॉर्ड नीचे रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर बहुत ही। और चलो भाई चलते हैं। तो सब लोग लेट ही उठते हैं और मैं सुबह उठ गई आज, मतलब उठती हूँ बट इतना जल्दी नहीं। आज मंदिर जाना था तो मैंने कहा, और कवर अप की बना था ब्लॉग की वजह से, तो मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी। और ये मुझसे जो गलती हुई है, मुझे बाद में आने के बाद पता चलेगी, मैं एडिट करी थी तब मुझे पता चला कि मैंने डोर लॉक कर दिया था, तो ऐसा नहीं। और मेरी रैपिडो आ चुकी थी, तो मैंने कहा भाई चलो बैठो। और यहाँ से थोड़ा सा ही पास में है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हेलमेट लगाने में, क्योंकि इयररिंग्स वेयर करके और पूरा बेसिक अभी एक्चुअली में सभी मंदिरों में ड्रेस कोड हो गया है, तो मैं ज़्यादातर ऐसे कपड़े पहन के ही जाती हूँ ताकि आपको कोई कुछ बोले ना। A few moments later. लोकेशन पे हम पहुँच चुके हैं, प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन के जी ब्लॉक में। गुफावाद मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है, और ये दो कड़कड़ डुमर वाली रेड लाइट से भी रास्ता है और प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन से जी ब्लॉक में। तो मंदिर की अगर हम लोग लुक करूँ तो सुबह 5:30 से 12 है और शाम को 5 से 9:30 के टाइम है। मंदिर के एंटर में, जस्ट एंटर में आपको साईं बाबा का मंदिर मिलेगा, एंड देन आपके लेफ्ट हैंड साइड पे शिव जी का 150 फुट गणेश जी की प्रतिमा है। देन आप 5 से 9:30 के टाइम है। मंदिर के एंटर में, जस्ट एंटर में आपको साईं बाबा का मंदिर मिलेगा, एंड देन आपके लेफ्ट हैंड साइड पे शिव जी का 150 फुट गणेश जी की प्रतिमा है। देन आप मंदिर में एंटर करते हैं तो ये गुफा साइड में मंदिर का एंट्रेंस गेट मान सकते हैं। आपको एंटर करते ही आपको साइड में आपके जो रूम हैं लोगों के बने होते पंडित जी के, और साइड रुकने की व्यवस्था है, कुछ शॉप्स भी हैं जहाँ पे पूजा का सामान या बुक्स का। सामने ही जाएंगे तो सामने से आपको गुफा, शेर की गुफा है जिसमें आपकी वैष्णो माता विराजमान है, हमारी वैष्णो माता विराजमान है। एंड देन शिव हनुमान जी कितने के, सबसे पहले मैंने प्रसाद लिया क्योंकि सोमवार था और मैं पूजा करने के लिए नहीं गई थी। पंडित जी ने कहा कि पंडित जी, फिर उन्होंने बोला कि बेटा बेलपत्र आप खुद ही तोड़ कर रहोगे, यहाँ बेलपत्र दिखता नहीं है, तो ये बेस्ट अच्छी चीज़ है कि आप खुद ही पूजा के लिए सामान अर्जित करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं वहाँ के गार्डन में गई, मुझे खुद कहा। देन मैंने कहा मैं मंदिर एंटर करूँगी क्योंकि मुझे एक घंटे में ब्लॉग बनाना भी था और घर वापस भी जाना था, तो ये मेरे लिए बहुत ही वो था क्योंकि मैं लगभग मेरा आधा घंटा पूजा का ऐसे ही वेस्ट हो गया था। कुछ मतलब पूजा की मैंने आने और जाने का वेस्ट, पूजा का नहीं सॉरी, मेरे किसी को लगे कि पूजा के लिए वेस्ट हो गया,
आने और जाने में बहुत सारी मैंने ये सोची थी कि कोई तो मेरा ब्लॉग शूट कर दे, बट थैंक यू सो मच आपने मेरा ब्लॉग शूट करा। शायद आप जब देखोगे तब आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा ब्लॉग शूट किया यहाँ पर, क्योंकि पहले जाना और उनके बारे में मेरे बच्चों को नहीं होगा, तो कोई ना कोई साथ में देन हमारे विष्णु जी का परिवार है, उन माता के तीनों स्वरूप तो प्रसाद और पूजा होने के बाद ये जो है मंदिर के एंट्रेंस पे हमारे शिव जी और पार्वती माता हैं, साथ में आप सती भी कह सकते हैं। साथ में हमारा सेकंड नंबर पे राम परिवार है, सेकंड नंबर पे मतलब स्थापित जगह पर। कोई भी यहाँ पे मतलब मेरे बातों का गलत मतलब ना ही निकालें, क्योंकि समटाइम्स होता है लोगों का कि मैंने ऐसा बोला नहीं, मैं सिर्फ मंदिर के जो सेकंड मंदिर या तो ऐसे बता रही हूँ, किसी को मैं बहुत क्लियर कर देती हूँ चीज़ों को ताकि लोगों को ये ना लगे। और मंदिर की डेकोरेशन बहुत ही अच्छी थी, देन मैंने कहा चलो भाई आपको ये सब व्यू दिखाने के बाद मैंने कहा कि सबसे पहले मैं भी इस मंदिर में विज़िट करी हूँ, बट ये मेरा एक अलग ही था कि मैं पूरा गुफा के अंदर जाऊँ। और पहले यहाँ पे तो गुफा के अंदर जाने के बाद आज कल रात को बहुत ही बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से ये फर्स्ट मंडे का ब्लॉग है। एक्चुअली मैं फ़ोन मेरा काफ़ी अच्छे टाइम से अच्छा वर्क नहीं करता, मुझे पता नहीं अपलोडिंग के बाद भी वीडियो कैसे आएगी, बट जैसी भी आएगी मैं कोशिश करूँगी कि ठीक हो ये वीडियो। तो क्या है ना कि ये फर्स्ट मंडे का था, तो देख संडे बहुत बारिश हुई थी और उस वजह से ना मेरा फ़ोन भी थोड़ा सा वॉइस पानी चले जाने की वजह ख़राब है, तो इसका थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी ओके है। तो बारिश ये पानी जो भरा हुआ था ना इसमें मेरी सजा बहुत डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि माता रानी मुझे ऐसे बुला रही जैसे नदी पार करनी हो मुझे, गंगा जमुना। और यहाँ मैंने मंदिर में यहाँ हमारी जो है ना इस गुफा में सीता माता मंदिर माता है और वैष्णो माता पिंडी स्वरूप में जो कि हमारे वैष्णो धाम में है। तो यहाँ से निकलते ही हमने कुछ खास नज़ारे देखे, मुझे ये नज़ारे बहुत प्यारे लगे, मतलब इन नज़ारों को देख के ना दिल में एक अलग ही सुकून होता है। अगर यहाँ जन्माष्टमी पर आएँ या उस पे आएँ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा व्यू मिलेगा, एक एक अलग सा ही सुकून मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो जिन अपने राम कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया गया है ना वो बहुत ही अद्भुत है, प्यारी हैं। अब क्या ही बोलें, आप लोगों को कैसा लगता है? और यहाँ जो नागिया जो कालिया नाग था, हम लोग नागिया कभी कभार एक्चुअली में मेरी लैंग्वेज थोड़ा सा घर के साइड हो जाती है, जब मैं हिंदी बोलती हूँ ना प्रॉपर तो ऐसा हो जाता है समटाइम्स कभी कभार तो मिक्स हो जाती है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जो भी मेरी छोटी मोटी त्रुटियाँ होती हैं आप उन्हें माफ़ कर दें ऐसा समझ कर। और यहाँ से मैं जाती हूँ तो यहाँ मैं गिरते गिरते बची बहुत ही, और ये एक शॉर्ट ब्लॉग है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ हनुमान जी का कि मतलब क्या है। और देन मैं मंदिर के एंट्रेंस से बाहर हो गई थी गुफाओं में घूमने के बाद, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, आप देख रहे हो धूप निकल आई है मुझे घूमते घूमते। देन मुझे ऑफिस भी जाना था क्योंकि छुट्टी लेना संडे के बाद मंडे बहुत मुश्किल होता, और लेनी भी क्यों है क्योंकि फास्ट है, तो बेटर है अपने काम को करो किसी चीज़ को। तो फिर मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, और मैं बाहर रोड पर पैदल ही निकल आई मैंने कहा, क्योंकि बारिश पानी बहुत हुआ था। और यहाँ निकलते ही मुझे क्या दिखा कि मुझे लिफ्ट मिलने वाली है, और नहीं मैंने फिर ऑटो रोका और ये भैया मुझे 20 रुपये में ही छोड़ देंगे घर तक नहीं बट हाँ वहाँ तक छोड़ देंगे जहाँ तक मुझे जाना है। तो सुबह सुबह कन्वेंस भी आराम से मिल गया था, बाकी जो लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए सबके लिए नियर बाय प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन एंड कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन है, आप यहाँ से गुफा माता मंदिर जी ब्लॉग किसी से भी पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार विज़िट करें तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपको कहाँ आना है और कहाँ नहीं आना, ठीक है, मतलब कहाँ आना है सॉरी कहाँ नहीं आना। बारिश की वजह से बहुत बुरा हाल था, यहाँ से मैंने आपको थोड़ा सा कवर करी, देखो बारिश की वजह से पीछे शीशों पे अभी भी पानी जमा हुआ है, तो कितनी बारिश हुई आप सोच सकते हो, बहुत ही बारिश हुई है। और देन हमारी गली तो सूखी पड़ी रहती है, और उसके बाद मैंने चाय पत्ती दूध लिया क्योंकि ये नहीं था, और डोरबेल बजाने के बाद मुझे लग रहा कि कोई खोलेगा, अरे मुझे क्यों मैं भूल जाती हूँ हर बार कि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ मैं खुद है, तो मैं मुझे लगता है हमेशा वो आदत पड़ी कि मम्मी दरवाज़ा खोलो ना प्लीज़ जल्दी से, तो वो वाली चाय खुद बनाई एंड चाय प्रिपेयर करने के बाद मैंने कहा चलो ऑफिस में, क्योंकि आज मेरा यह चाय से ही पूरा दिन निकलेगा, ये चाय पी के मैं शाम को
जो भोग होता है वो खाऊंगी। पूरे दिन मैं पानी तो पी लेती हूँ, बट मुझे ये नहीं रहता कि पूरे दिन ये खाना है वो खाना है, मैं बहुत कम खाती हूँ। एंड वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज पे। थैंक यू सो मच।